तो इस क्लास में हमने नेक्स्ट पार्ट देखना है पिक्चर इंसर्ट का। इंसर्ट पिक्चर हमने की थी, देखें कैसे यहाँ पे इंसर्ट पे गए थे, पिक्चर पर गए थे। उसके बाद आप कोई भी पिक्चर ले लें। इस दफ़ा मैं कोई और पिक्चर जो है वो ले लेता हूँ। यहाँ से डेस्कटॉप पे मैंने रखी हुई हैं कुछ पिक्चर्स, इनमें से हम कोई भी पिक्चर जो है वो उठा लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये बच्चे वाली इमेज, मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूँ। और सबसे पहला काम वही करना है, पिक्चर इंसर्ट करने के बाद ये फॉर्मेट का टैब आ जाता है, आपको पता है। और यहाँ पे जाने के बाद तो रैप टेक्स्ट में जाना होता है, और यहाँ से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट इसको यहाँ से करना होता है, जिससे आपकी पिक्चर रिलीज हो जाती है, आज़ाद हो जाती है। उसको आप आसानी से छोटा भी कर सकते हैं और उसको बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया। अच्छा, अब आप देखें नेक्स्ट ऑप्शन हमने देखना है फ्रेम्स। यहाँ पर देखें हमारे पास कुछ पिक्चर के स्टाइल दिए गए हैं, आप इनमें से किसी पर भी क्लिक करते हैं। अभी मैं क्लिक नहीं कर रहा, जस्ट माउस को रख रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि वो आपकी पिक्चर को पीछे स्टाइल अप्लाई हो जाता है। तो कोई भी स्टाइल आप यहाँ पे अप्लाई करें, अच्छे अच्छे स्टाइल्स यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये राउंड वाला मैं क्लिक कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये राउंड स्टाइल हमारी पिक्चर को यहाँ पे लग चुका है। तो ये तो हो गए स्टाइल्स, ठीक है। नेक्स्ट आगे ये जो व्हाइट व्हाइट आपको नजर आ रहा है, ये पिक्चर का बॉर्डर कहलाता है, ठीक है ना। तो इसको आप कलर भी दे सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास पिक्चर बॉर्डर, यानी पिक्चर बॉर्डर का कलर है इसमें। आप यहाँ पर जाएं, पिक्चर आपकी सिलेक्ट होनी चाहिए, देन आपने फॉर्मेट में जाना है, देन आपने पिक्चर बॉर्डर में जाके किसी भी कलर को क्लिक करते हैं तो वही कलर आपके जो पिक्चर बॉर्डर को अप्लाई हो जाता है। जैसे मैंने ये येलो कर दिया, ठीक है जी। नाउ पिक्चर बॉर्डर आगे नीचे लिखा हुआ है नो आउटलाइन। अगर आप नो आउटलाइन कर देते हैं तो आपका जो पिक्चर का बॉर्डर है वो डिलीट हो जाता है। तो कोई ना कोई कलर दे के रखें ताकि आपकी पिक्चर का बॉर्डर जो है वो लगा रहे। अच्छा, इसके बाद वेट भी आप इसका कम ज्यादा कर सकते हैं बॉर्डर का, ठीक है। ये याद रखें, ये देखिए मतलब नीचे आए तो यहाँ पे आपका जो बॉर्डर है बिल्कुल हल्का सा हो गया है। तो मुख्तलिफ किस्म के वेट यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये वेट और ये डैशेस जब हम शेप्स पढ़ेंगे उसमें आपको ठीक से मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो अभी आप याद रखें कि पिक्चर के बॉर्डर का कोई भी कलर दे सकते हैं, उसका वेट तब्दील कर सकते हैं, उसका बॉर्डर डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, नो करने से। नाउ नेक्स्ट आता है पिक्चर के अफेक्ट्स। जब आप इस पर क्लिक करते हैं इसमें मुख्तलिफ किस्म के आगे इफेक्ट्स की लिस्ट आ जाती है। पहले है प्रीसेट। प्रीसेट में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर देखें, अच्छा जो भी जिस भी इफेक्ट के ऊपर मैं माउस रखूंगा, अपना एरो रखूंगा, तो आपको पीछे उसका प्रीव्यू नजर आ जाएगा। इस इफेक्ट को देखें, इसमें कॉर्नर इसके शार्प हो, मतलब राउंड हो गए, स्मूथ हो गए, ये इफेक्ट आप देखें। तो आप किसी भी इफेक्ट के ऊपर माउस रखें तो पीछे से आप उस इफेक्ट को देख सकते हैं। ये 3D का इफेक्ट है। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन। देखें कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपको 2 डायमेंशन नजर आ रही हो, यानी चौड़ाई और ऊंचाई, वो 2D कहलाता है, 2 डायमेंशन। और कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपको उसकी 3 पैमाइशें नजर आ रही हो, जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और मोटाई यानी थिकनेस भी हो, वो 3D कहलाता है, यानी 3 डायमेंशन। अब ये 3D का एक इमेज आपको दिख रहा है, इसमें यहाँ पे इसकी थिकनेस भी नजर आ रही है, ठीक है। तो ये 3D का जो है वो इमेज है। नाउ अगेन इफेक्ट पे जाते हैं, प्रीसेट में जाते हैं, कोई और इफेक्ट आप अप्लाई करके देख लें यहाँ से। तो फिलहाल मैं यहाँ पे ये वाला इफेक्ट अप्लाई करता हूँ, ये मैंने कर दिया, ठीक है। अच्छा, जो इफेक्ट आप लगाते हैं उसको खत्म करना हो तो उधर से ही होगा जिधर से आपने लगाया है, यानी यहाँ पर जाएंगे, प्रीसेट में जाएंगे, ऊपर नो प्रीसेट करेंगे तो प्रीसेट के सारे इफेक्ट आपके रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। नाउ अगला है शेडो, यानी साया देना। तो आप देखें यहाँ पे आउटर शेडो, आप बाहर की तरफ पिक्चर को साया दे सकते हैं। देखिए इसके किनारे देखें, पीछे से हल्का हल्का शेडो ऊपर नजर आ रहा है, यहाँ रखें तो अभी भी आ रहा है, यहाँ थोड़ा साइड में हो गया। तो मुख्तलिफ पोजीशंस हैं जहाँ आपने शेडो रखना हो। इसके बाद इनर शेडो यहाँ पे दिया गया, इसको थोड़ा सा पकड़ कर नीचे करें। इनर शेडो में बात करें तो देखें अंदर की तरफ आपको पिक्चर के कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा इफेक्ट नजर आएगा। पर्सपेक्टिव शेडो, ये सारा आप टेक्स्ट में भी कर चुके हैं। वैसे टेक्स्ट में जैसे आप देखते हैं ये आपको इस तरफ साया नजर आ रहा है, ये उस तरफ नजर आ रहा है, तो जो भी आप क्लिक करेंगे उसी तरफ आपको इसका शेडो नजर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो शेडो खत्म करना हो तो वही बात कि जहां से इफेक्ट लगाया है वहां से ही खत्म होगा। आप फॉर्मेट में जाएंगे, पिक्चर इफेक्ट्स में जाएंगे, शेडो में जाएंगे और पहला ऑप्शन नो शेडो कर देंगे तो आपका शेडो जाता रहेगा। नाउ आपने आगे रिफ्लेक्शन में जाना है, वही चीज है, टेक्स्ट में भी आपने देखी थी। मैं पिक्चर को थोड़ा जूम कम करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ रखें, अब आप इसका रिफ्लेक्शन का इफेक्ट देख सकते हैं। ये देखें हाफ रिफ्लेक्शन, थोड़ी ज्यादा, फुल रिफ्लेक्शन, इस तरह से आपने टेक्स्ट में भी देखा था। और यहाँ थोड़ा फासला ज्यादा हो जाता है, यहाँ फासला और ज्यादा हो जाता है,
तो ये सारी रिफ्लेक्शन है, अगर आप लगाना चाहें तो लगा लें, नहीं तो ऊपर नो रिफ्लेक्शन कर दें, आपका जो इफेक्ट है वो रिफ्लेक्शन का खत्म हो जाएगा। उसके बाद ग्लो का इफेक्ट भी आप देख चुके हैं टेक्स्ट में और पिक्चर में भी आप देख सकती हैं, मुख्तलिफ कलर से जैसे पीछे से कोई लाइट सी पड़ती नजर आ रही हो आप देखें उसी कलर में, जिस कलर में भी आपने, ये मैंने पिंक टाइप लगा दिया, आप कोई और ग्लो कलर लगाना चाहते हैं ब्लू टाइप तो आप ब्लू कर लें, ठीक है। तो ये तो हो गए इसके इफेक्ट, नीचे मोर कलर भी दिए गए हैं, इनमें से आप रेड करना चाहते हैं तो आप रेड कर लें, तो कोई भी आप कलर ले लें उससे आप अपनी पिक्चर को ग्लो कर सकते हैं। सॉफ्ट एज की अगर बात करें नेक्स्ट इफेक्ट है हमारा, तो ये किनारों को स्मूथ करता है, देखिये 1.2.5 5 पॉइंट, तो ये किनारे पीछे जाते जा रहे हैं, आप गौर से देखें स्मूथ होते जा रहे हैं। और यहाँ अगर मैं क्लिक कर दूं, अच्छा इसका मैं पीछे से ग्लो खत्म करता हूँ ताकि आपको सही नजर आए, तो ग्लो पे जाके पहला ऑप्शन नो ग्लो कर दें, तो अब आप देखें इसके किनारे कितने स्मूथ हो चुके हैं, ठीक है। तो ये सॉफ्ट एज इफेक्ट है, यहाँ पे जाके मैंने सॉफ्ट एज लगाया, 1 पे आप देखें फुल है, यहाँ आगे जाते जाए तो यहाँ पे आके इसके किनारे नरम हो जाते हैं, तो ये है हमारा सॉफ्ट एज। नाउ अगेन पिक्चर क्लिक करें, फॉर्मेट में जाएं, इफेक्ट में जाएं, और नेक्स्ट है बेवल का। इसमें भी कुछ ऐसे इफेक्ट्स हैं कि जिसमें पिक्चर किसी में फ्रेमिंग नजर आएगा, ये देखें जैसे राउंड शेप में नजर आ रही है, थोड़ी सी यहाँ पे रखें तो ये अंदर की तरफ धंसा हुआ फ्रेम सा बन गया, ठीक है ना, थोड़ा आगे चलें तो ये बाहर की तरफ फ्रेम बन गया, तो इस तरह से डायमंड इफेक्ट है। तो मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट्स हैं, आप इनमें से कोई भी अच्छा लगे क्लिक कर दें तो आप देखें ये इफेक्ट आपको अपनी तस्वीर के ऊपर नजर आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट इसमें देखें क्या है, बेवल के बाद हमारे पास आ जाते हैं 3D के कुछ इफेक्ट्स। 3D में पिक्चर को अगर रोटेट करना है तो वो आप कर सकते हैं, बट पहले आप यहाँ प्रीसेट में जाएं और यहाँ से 3D का कोई इफेक्ट लगा दें जैसे ये वाला, अब आप अपनी इमेज को 3D में रोटेट कर सकते हैं यानी घुमा सकते हैं। इफेक्ट में जाएं, 3D रोटेशन में जाएं और यहाँ से कोई भी स्टाइल पिक करें, ये देखें उसी स्टाइल में आपकी इमेज 3D में राउंड हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से रखना है, इस तरह से, तो कोई भी स्टाइल आप क्लिक कर दें जस्ट ऐसे तो वो इफेक्ट आपका लग जाता है, ठीक है। तो ये तो थे हमारे पिक्चर के इफेक्ट्स जो कि मैंने आपको डिटेल में बारी बारी यहाँ पर समझा दी हैं, ठीक है, तो इनको भी अच्छी तरह से आपने प्रैक्टिस करना है। उसके बाद पिक्चर लेआउट आ जाता है, अच्छा पिक्चर लेआउट को मैं नेक्स्ट क्लास में बयान करूंगा, थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, यहाँ तक आप पहले प्रैक्टिस कर लें, जब समझ आ जाए तो बताएं फिर नेक्स्ट करते हैं।